दूरदर्शन किसान के हेलो किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निमिष कपूर। हेलो किसान में हम कृषि से जुड़ी नई नई उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सब्जी बीज फसलों के प्रबंधन की, जिसमें हम जानेंगे सब्जी फसलों के बीज बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही किस्मों को रोगों से बचाने के क्या उपाय अपनाने चाहिए। साथ ही इसके अलावा जानेंगे ठंडे प्रदेशों में बागों की देखभाल के बारे में और किसान कौन से उपाय अपनाकर बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। इन दोनों विषयों पर किसान फोन के माध्यम से सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130-6 1800-1130-6 1। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड पूसा के मैनेजर डॉक्टर विजय शंकर पांडे जी और डॉक्टर वाई एस परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश के प्रोफेसर डॉक्टर किशोर खोसला साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और अपनी जिज्ञासाओं का तुरंत जवाब पाइए हमारे लिए विशेषज्ञों से। सबसे पहले हम डॉक्टर विजय चंद्र पांडे जी आपसे चर्चा शुरू करते हैं। बीज उत्पादन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर विजय? बीज उत्पादन करते समय प्राय जो हम जरली सब्जियां पैदा करते हैं उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए हमें। उसमें दो तीन चीजें प्रमुख रूप से हमें देखा जाता है। एक तो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है, अलगाव दूरी जिसको बोलते हैं हिंदी में। एक फसल की जो प्रजाति आपने लगाई है उससे दूसरे फसल की कुछ दूरियां निर्धारित हैं। जैसे हम कद्दू वर्गीय फसलें लगाने का भी समय है तो कद्दू वर्गीय फसलों में अगर हमें एक प्रजाति हमने लगाई है तो उससे दूसरी प्रजाति की दूरी कम से कम, अगर हम ब्रीडर सीड बना रहे हैं, प्रजनक बीज बना रहे हैं तो 1000 मीटर, और अगर हम फाउंडेशन बीज बना रहे हैं सर्टिफाइड तो उसकी दूरी कम से कम हमें 500 मीटर होनी चाहिए। क्योंकि सब्जियों में परागण जो है प्रमुख रूप से जो है मधुमक्खियों के माध्यम से होता है, और अगर ये हम अलगाव दूरी अपने मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अलगाव दूरी नहीं रख रहे हैं तो हमारा जो बीज बनेगा जो है वो शुद्ध प्रजाति का नहीं बनेगा, जिससे कि हमारी जो है उससे जो है बाद में बीज उत्पादन करने में जो जब उससे हम प्रजाति का उत्पादन करते हैं तो जितनी अच्छी उपज हमें आनी चाहिए उस स्तर की उपज हमें नहीं मिल पाती। साथ ही साथ उस प्रजाति का हमारा जो करैक्टर होता है, जो उसके गुण होते हैं वो भी थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें अलगाव दूरी का ध्यान रखना है। दूसरा, चूंकि सब्जी बीज उत्पादन में बीज उत्पादन की अपेक्षा पानी भी ज्यादा लगता है तो हमें पानी की सुविधा का भी ध्यान रखना है। सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। सब्जी फसलों से बीज तैयार करते समय खास देखभाल की जरूरत होती है। जड़ वाली सब्जियों जिनमें मूली, गाजर, शलजम आती है, इन पौधों को खेत की मेड़ पर भी लगा सकते हैं। साथ ही समय समय पर खरपतवारों का नियंत्रण सही तरीके से करना चाहिए। किसान इस बात का ध्यान रखे कि जिस किस्म का बीज उत्पादन करना है उस फसल के खेत के करीब 25 मीटर की दूरी पर अन्य किस्म न लगी हो। खेत में लगे बीमार या रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। पौधों में फल बनते समय फल भेदक कीट से नुकसान होने का अंदेशा रहता है। भेदक कीट के लक्षण दिखाई देने पर मेलाथियन या मेटासिस्टॉक्स दवा का छिड़काव करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि पालक में स्फुटन की अवस्था में जंगली पालक का पौधा न लगा हो, जिससे संक्रमण को रोका जा सके और शुद्ध बीज लिए जा सके।
प्याज में स्फुटन की दशा में रोग लगने की ज्यादा आशंका रहती है। ब्लाइट और नीला धब्बा रोग से फसल को बचाने के लिए डाइथेन M45 या रिडोमिल दवा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव साफ मौसम में करना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर किशोर खोसला से हम जानेंगे ठंडे प्रदेशों में फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्नत किस्मों का चयन किया जाए, उन्नत किस्में लगाई जाए बागवानी में। आजकल बहुत सी उन्नत किस्में आई हैं जिनकी पैदावार बहुत ज्यादा होती है और उसके कलर मार्केट के हिसाब से उनको बदलना चाहिए और जो नई उन्नत किस्में हैं जिनकी पैदावार ज्यादा है, जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, उनको हमें लगाना चाहिए अपने बगीचे में। जी, और सब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं और रिपोर्ट। ठंडे प्रदेशों में फलों का उत्पादन जीवन रेखा माना जाता है। मौसम की अनुकूलता भरपूर पैदावार देती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में बाग को खास देखभाल की जरूरत होती है। हमारे देश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम में सेब, नाशपाती, चेरी, आड़ू और अखरोट जैसे फलों का उत्पादन किया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को चाहिए कि जनवरी माह के अंत तक फलों के पेड़ों की टहनियों की काट छाट करनी चाहिए। टहनियों के कटे हिस्सों पर नीला थोथा लगाने से पेड़ों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। इसी माह में नए पौधों की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही सर्दियों में फलों के छोटे पौधों को सूखी घास फूस से ढक कर रखना चाहिए, जिससे नुकसान को कम किया जा सके। वही पेड़ों की ग्राफ्टिंग फरवरी मार्च में करनी चाहिए। ठंडे प्रदेशों में सिंचाई नमी पर निर्भर करती है, जरूरत होने पर ही सिंचाई करें। साथ ही मेड़ों को रोग और कीटों से बचाने के उपाय करें। और इस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर खोसला से हम जैसा कि रिपोर्ट से पहले चर्चा कर रहे थे और अब फिर उस चर्चा को आगे जारी रखेंगे कि इस मौसम में समय ठंडे प्रदेशों में किन किन प्रमुख जो हमारी फल है उनकी खेती की जानी चाहिए। हम बात सबसे जो जैसे हमने विजुअल में भी देखा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो हमारे जम्मू कश्मीर से लेके इसमें विभिन्न किस्म के फल हम उगाते हैं, जिससे सेब है, कुछ फल है, चेरी है और उस तरह से और भी फल है हमारे जैसे कीवी है, इस तरह से फल हम उगाते हैं। आज का जो है बहुत सी कृषि क्रिया करने का बहुत समय है। इन क्षेत्र में जितने भी फल हम उगाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो है एरिया जो है वो सेब के अंतर्गत आता है, जिसमें कोई 55% का हिस्सेदारी जो है सेब की है और उत्पादकता में कोई 75% जो है वो टोटल फूड प्रोडक्शन में सेब की हिस्सेदारी है। तो आजकल इन फलों में खासकर सेब में आजकल टोली बनाने का समय है, खाद देने का समय है और फल फल सबसे महत्वपूर्ण है। जो प्लांट साइट का आजकल बहुत समय है, तो जितने भी रोगग्रसित टहनियाँ हैं या टूटी हुई टहनियाँ हैं उनको हम प्लांट साइट कर लेते हैं, क्योंकि
की काफी ज्यादा आवश्यकता हमारे खेत के बगीचों में पाई जाती पाई गई है। तो उनकी जो जितनी रोग ग्रसित तकनीकें हैं उनको हम करके उसमें फसल बना के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं, खासकर चौबारियों के या बोलने के उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी हम काम शांत करते हैं थोड़ी मोटी के लिए जब हमें काटना पड़ता है तो उसमें फसल बना के लिए उसका लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो यही तो उससे उचित समय है ये हमें उचित मात्रा में अनुमोदित मात्रा में हमें अपने पौधों को देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारी उत्पादकता में कोई असर ना पड़े। अगर हम खाद उत्पादों का उचित प्रयोग नहीं करते तो धीरे धीरे हमारे बगीचों की जो उत्पादकता धीरे धीरे कम होती रहती है और जो क्वालिटी है जो हमारी गुणवत्ता है हम फलों की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो इस तरह से और बगीचों की जो उम्र है वो भी काफी कम हो जाती है। जी, और हम डॉक्टर विजय शंकर पांडे जी से जानना चाहेंगे कि जो हमारे सब्जी के जो बीज हैं उनके उत्पादन के लिए इस समय कौन कौन से सब्जी बीज को लगाना चाहिए ताकि बेहतर उत्पादन हो पाए। देखिए, सब्जी बीज उत्पादन के लिए जैसा कि आप किसान भाई जानते हैं कि हमारे पास तीन मौसम होते हैं, एक तो हमारा खरीफ से स्टार्ट होता है, दूसरा जो रबी का सीजन जो अभी चल रहा है, और तीसरा जो अभी समर का या जायद भी बोलते हैं इसको, समर का जो अभी समय स्टार्ट होगा इसमें कद्दू वर्गीय फसलों की जो है हम बीज उत्पादन के लिए लगाएंगे और उसके बाद उसका जो है साथ के साथ जनरल उत्पादन के लिए भी इसका हम इस समय जो है 15 फरवरी के आसपास रुपाई का जो है उपयुक्त समय होगा। इसमें हम कोहरा होती है बेसिकली, लौकी होती है, खीरा होता है, तरबूज होता है, खरबूज होता है, इन सब फसलों के जो है बीज हम रोपित करते हैं। बीज लगाते समय हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो बलुई दोमट भूमि हो तो हमारे लिए उपयुक्त है। भूमि हमें ऐसी चुननी चाहिए कि जिसमें जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था हो, किसी प्रकार से उसमें पानी न रुकने पाए। अगर फसलों में पानी रुकता है तो उससे जो है अपनी सब्जी की फसलें प्रभावित होती हैं। और तीसरा जो है, चूंकि सब्जी बीज उत्पादन के लिए जनरली 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारे पास सिंचाई की उचित व्यवस्था हो सके। और सब जो रबी का मौसम है इसमें कौन कौन से मुख्य सब्जियां हैं जिनका चयन करना चाहिए और अभी जो किया जा रहा है? रबी के मौसम में देखिए, मेजर तो मटर का बीज उत्पादन है जो भी चल रहा है, धनिया का बीज उत्पादन है चल रहा है, इसके अलावा जो गांठ वाली सब्जियां हैं जैसे अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा उसमें गाजर है, मूली है, सलजम है, इन सब का बीज उत्पादन कर रहा है, इस समय चल रहा है। गाजर और मूली और ये सलजम की जो बेसिक प्रजातियां हैं इसमें शुरू में हम उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद जब हमारी गाजर पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसको हम निकाल के फिर उसमें प्रजाति के करेक्टर के उसका जो गुड़ होता है गुड़ के आधार पर उसको हम छांटते हैं। छांटने के बाद ऊपर से पत्ती का 1/5 तीसरा पार्ट जो है काट देते हैं, नीचे से भी थोड़ा काट के फिर उसको मेड़ों पे जो है हम 60 सेंटीमीटर के दूरी पे लगाते हैं, उसको दोबारा ट्रांसप्लांट करते हैं। लगाने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि उसको हल्की सिंचाई करनी है। जो है सिंचाई में हमें ये भी ध्यान देना है कि कहीं भी किसी प्रकार से पानी न रुक पाए जो है, और उसके बाद फिर जो है हम उसको फर्दर जो है बीज उत्पादन के लिए छोड़ देते हैं। इसी प्रकार पालक के बीज उत्पादन का समय है, पालक तैयार होने के बाद फिर उसमें जो है फुटाव होता है, फुटाव होने के बाद बीज बनता है। जो हमारी टेम्परेट सब्जियों में भी तीन तरह की जैसे हमारी क्लाइमेट है, एक तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सब्जियां होती हैं, गाजर हो गई, मूली हो गई, इसका सबका बीज उत्पादन इधर हो जाता है। जो टेम्परेट वेजिटेबल है जैसे कैबेज, गांठ गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, इनका उत्पादन हमेशा जो है ठंडे प्रदेशों में करते हैं, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हमें इसका बीज उत्पादन किया जाता है। और ठंडे प्रदेशों पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर किशोर खोसला साहब हैं। और डॉक्टर, आजकल के मौसम में हमारे ठंडे प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं? हाँ, आजकल तो जो
आमतौर पर बोलते हैं उनको बुलाए उनके निधन करने का समय है, उनके जितने भी घास वगैरह है खरपतवार है उसको टिकाने का समय है और खाद देने का समय है, खाद देने का समय है खासकर गोबर की खाद सुपर फॉस्फेट और मिलेटो पोटाश इनको देने का आज का समय है। और महत्वपूर्ण कार्य है जितनी भी अनचाही हमारी जो टहनियाँ बनती है उनको हम निकाल कर उचित दूरी पर जो है हम टहनियाँ पौधों के ऊपर और जितनी रोग ग्रसित जितनी भी टहनियाँ होती हैं उनको हम काट देते हैं। या अगर मोटी टहनियाँ जैसे कैंसर रोग वगैरह लग गया तो उसको हम वहीं पर चाकू के साथ छीन के उसमें फफूंद बना के लेप का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कैंसर है वो आगे ज़्यादा ना बढ़े और पूरी कीड़े को अपनी उसमें लपेटे में ना ले नहीं तो पूरी टहनियाँ हमारी सूख जाती है। तो ये दो तीन काम कार्यक्रम जो है वो आजकल छोटे के बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है इसके साथ ही बोर्ड मिशन वगैरह का भी आजकल कर सकते हैं खासकर कैंसर रोग की रोकथाम के लिए और जितनी भी कटाई छटाई हम करते हैं उसके ऊपर बोर्ड मिशन का स्प्रे करें वो इससे बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। जैसे हमारे कई पौधे कई बगीचों में हमने देखा कि काई लग जाती है जिनको इसको हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा लगी होती है वो खासकर उन बगीचों में बहुत ज़्यादा लगी होती है जो जिनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से बागवान नहीं करते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए भी आजकल के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा काई लगी है आपके बगीचे में तो उसमें फॉस्टिक सोडा जो होता है उसका 1% का गुण जो है हम उठ कर स्प्रे करते हैं। मोटे बर्तनों में हम कपड़े के साथ उस बोरी के साथ उसके घोल में उसको डुबो के उससे रगड़ा भी जा सकता है उनकी टहनियों पर हम उसको प्लास्टिक सोडे का स्प्रे भी कर सकते हैं उससे जो है हमारा बिल्कुल साफ हमारी चटनी हो जाती है और इकाई का पता चल जाता है। तो इसके साथ ही फिर उसी के साथ बोरे भी सर भी हम हर साल करते हैं अपने बगीचों में नियमित तौर पर करते हैं और करना चाहिए तो उससे भी काई का प्रबंधन हो जाता है उस ऐसे बगीचों में काई बहुत बहुत कम। एक और क्रिया होती है हमारे खासकर कीड़ों की रोकथाम के लिए हम लोग करते हैं डोरमेंट ऑयल जो है पेड़ का छिड़काव करते हैं हम अपने बगीचों में इसका भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको हमें हर साल करना चाहिए अपने बगीचों में और उससे जो है जितने भी हानिकारक कीट होते हैं उनके अंडे या उनके जो प्रोडक्ट जो होते हैं अंडे वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। और अगर नियमित तौर पर हम तेल का स्प्रे अपने बगीचों में करते हैं तो तब ये जो काई का प्रबंधन हो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए बागवानों की इस बात से प्रत्येक जरूर करते हैं कि काट छाट करते हुए करने के बाद पेंट या पेंट का इस्तेमाल करें लगाएं कटे हुए भागों पर साथ में बॉडी मिशन का स्प्रे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फरवरी मार्च के महीने जैसे भी हमारे कनिकाएं फूटनी शुरू होती है उस टाइम आप तेल का स्प्रे नियमित तौर पर करें। जी डॉक्टर जी और ठंडे प्रदेशों में जो बागों की देखभाल है उसके साथ में हम बात कर रहे हैं सब्जी बीज फसलों के प्रबंधन की और हमारे साथ डॉक्टर विजय शंकर पांडे जी उपस्थित हैं। डॉक्टर जो फसलों के जो सब्जियों के बीज हैं उसके लिए कौन कौन सी जो प्रमुख सब्जियां हैं इस मौसम में जिसकी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं उसके बारे में आप क्या बताएंगे? महत्वपूर्ण प्रजातियों में बेसिकली जैसे हम गाजर की बात करें तो गाजर में एक पूसा रुझिरा प्रजाति है जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से विकसित की गई है और इसकी जो है बहुत भारी मात्रा में देश में इसकी डिमांड मार्केट बनी हुई है। ये बहुत ही गहरे कलर की होती है और इसकी अपने देश के साथ साथ बाहर भी जो है पाकिस्तान और गल्फ कंट्री जो है यहाँ भी बहुत ही अच्छी डिमांड है। डॉक्टर चर्चा हम आगे जारी रखेंगे प्रजातियों पर। हमारे साथ हमारे किसान महेंद्र जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र जी हेलो किसान भाई सवाल पूछे। महेंद्र जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर बीज उत्पादन की क्या क्या संभावना है? मैं जिला रानीखेत से बात कर रहा हूँ। जी रानीखेत से महेंद्र जी बोल रहे हैं। बीज उत्पादन की क्या क्या संभावनाएं हैं उत्तराखंड में? महेंद्र जी सब्जियों के बीज उत्पादन के बारे में बात करें तो रबी के मौसम में आप मटर का बीज उत्पादन कर सकते हैं, प्याज का बीज उत्पादन भी आपके यहाँ होता है, धनिया का बीज उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम जैसे अभी लगाने का समय है जो अपना समर सीजन आ रहा है इसमें हम बात करें तो कद्दू वर्गीय फसलें जो है आपके यहाँ उग सकती हैं, भिंडी का बीज आप उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो हमारी इस समय खरीफ की बात करें जो आने वाला खरीफ है उस समय भी आप जो है भिंडी का उत्पादन कर सकते हैं, जो तुरई और तुरई लौकी इसका सबका भी खरीफ में भी बीज उत्पादन हो सकता है।
दूसरा जो अभी हम बीज उत्पादन की बात करें तो सिंह साहब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि बीज उत्पादन में जो दो तीन चीजें हमने बताई इसमें अलगाव दूरी एक जो होती है क्योंकि उत्तराखंड में लैंड होल्डिंग थोड़ा सा छोटी है तो उसमें हमें ये देखना है कि जो अलगाव दूरी अलग अलग फसलों के लिए रिकमेंडेड है जैसे कद्दू वर्गीय फसलों की बात करें इसमें कम से कम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जो हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है जैसे मटर है इसमें ज्यादा अलगाव दूरी की जरूरत नहीं होती इसमें तो हम 10 मीटर भी रख सकते हैं तो दो तीन चीजों का हमें ध्यान देना है इसमें। जी डॉक्टर, किसान में चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेलो किसान में। हमारे साथ हमारे किसान भाई कमल जी जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। कमल जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो नमस्कार सर, मैं कमल आजाद बोल रहा हूँ। जी कमल, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ जैसे हमारे अभी जो है अभी कटिंग का सीजन चल रहा है जी, तो फरवरी जो होता है इसमें ग्राफ्टिंग का टाइम जो है हमारे आता है तो हमारे जो यहाँ की हाइट है वो 7,600 फीट की हाइट पे है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि हम किस तरह की जो हमारी नई वैरायटीज आ रही है तो कौन सी वैरायटीज हम लगाए और कहाँ से हमें ये जो है प्राप्त होगी जो नई वैरायटीज हम सुनने को मिलती है जैसे एडम्स है, स्कारलेट 2 है या कोई भी नई अच्छी अच्छी जो इसकी वैरायटी है वो हम कहाँ से प्राप्त करें। इसका जवाब डॉक्टर हाँ जैसे आपने बताया जैसे आपके बगीचे की हाइट जो है वो 7,000 फीट की है तो ऐसे इलाकों में हम सिफारिश करेंगे खासकर फीट की बात आप करते हैं तो है आपका स्कॉलर्स पर 2 है और वाशिंगटन भी एक नई जो वैरायटी निकली है वो भी 7,000 फीट की जो हाइट है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और भी है जैसे गाना सीरीज की भी कुछ प्रजातियाँ हैं जैसे की बात आपने की
और इस तरह से ये नई नई किस्में जो है आप लगा सकते हैं, जो खासकर पुरानी जो किस्में हमारी लगी हुई है, जो जो रॉयल की जो किस्म लगी थी हमारे बगीचों में, उसको धीरे धीरे हमें नई प्रजाति के साथ रिप्लेस करना चाहिए। जहाँ तक का मिलने का सवाल है, साइनबोर्ड का मिलने का सवाल है, आप किसी भी अच्छी नर्सरी से आप ले सकते हैं, या हमारा जो विश्वविद्यालय है नोडी में वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हमारा एक विश्वविद्यालय का एक अनुसंधान केंद्र है कुल्लू जिला में, बजारा में और शोबाग में, वहाँ से भी आप ये उन्नत किस्मों की जो है हम आपको मुहैया कराए जा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप विश्वविद्यालय नौनी से आप संपर्क कर सकते हैं, या आप कुछ अपने बागवानों से भी हम इस तरह की कमरे ले सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतनी ये पड़ेगी, खासकर ऐसे बगीचों से आप कमरे लें जिनमें किसी तरह के विषाणु रोग की उसमें प्रकोप ना हो, नहीं तो ये जो विषाणु रोग है हमारे बगीचों में बहुत बुरी तरह से घर कर रहा है, हमारे काफी पूरे प्रदेश में फैल गया है, ये कमरों के द्वारा ही एक बगीचे से दूसरे बगीचों को जाता है। तो इसलिए आप ये एहतियात जरूर बरते कि जिस भी बागवान से आप इस तरह की कमरे लिए तो उस बगीचे में जो है किसी भी विषाणु रोग का प्रकोप बगीचों में लेना। और हम जो सब्जी बीज फसलों की बात कर रहे हैं डॉक्टर विजय शंकर पांडे जी, उसमें नर्सरी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो आप सब्जी के जो बीज हैं उनके बेहतर उत्पादन हो उसमें जो नर्सरी की भूमिका है उसको कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, कुछ फसलें जैसे हमारी टमाटर हुई, बैंगन हुई, मिर्ची, जो सोलेनेसियस ग्रुप की फसलें हैं, इसमें हम सबसे पहले इसी तरह प्याज की जो है हम सबसे पहले इसकी नर्सरी उगाते हैं। नर्सरी उगाते समय हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमें नर्सरी बनानी है उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर से ज्यादा हम नहीं रखते हैं जो है, और लगभग 75 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनाते हैं। क्यारियों को हम अच्छी तरह से जुताई गुड़ाई करके उसको भुरभुरा बना लेते हैं। उसके बाद उन उठी हुई क्यारियों में 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे हम नर्सरी डालते हैं। नर्सरी डालने के बाद उसको हम पुआल से या किसी घास फूस से पानी डालने के बाद उसको ढक देते हैं। ढकने से क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है और अपना जमाव अच्छे से हो जाता है। जैसे जमाव होता है वैसे हम उनको हटा देते हैं। नर्सरी में हमें एक ध्यान ये रखना है कि उसमें एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं डैम्पिंग, आप बोलते हैं जो है पौध गलन बीमारी, आप किसान भाई बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो 2 स्टेज में आती है। पहले स्टेज में नीचे से ही गलने लगती है तो किसान भाई जानकारी के भाव में बताते हैं नर्सरी उड़ रही है, तो किसान भाइयों नर्सरी उड़ती नहीं है, वो पौध गलन बीमारी है जिससे जो कि आपकी जड़ों पे ही अटैक करता है वो फफूंद और आपकी नर्सरी को डैमेज कर देता है। तो इसके लिए एक डाइथेनियम 45 फफूंद नाशक आता है, इसको 2 से 2.5 ग्राम पानी में मिला के उसकी ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग मतलब किसान भाई नर्सरी के ऊपर नहीं डालना, उसकी जड़ों को तर करना है। तो इसको 15-15 दिन पे आप 2-3 बार अगर आप उसको तर करते रहेंगे तो इस तरह की बीमारी से आपको निजात मिल जाएगा। दूसरा सर, किसान भाइयों आप एक चीज का ध्यान रखें कि जैसे सोलोनेशियस ग्रुप की फसलें हैं, टमाटर हुई, बैंगन हुई, मिर्चा हुई, इनकी नर्सरी 20-25 दिन में आपकी अनुकूल मौसम है तो तैयार हो जाती है। वहीं अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज की नर्सरी हमारी 45-50 दिन में तैयार होती है। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहता है तो थोड़ा सा 50-55 दिन लग जाता है, नहीं तो 45 दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी को लगाने से पहले हम खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। दूसरा ध्यान रखना है कि नर्सरी को हमें उखाड़ने के बाद उसको हम किसी फफूंद नाशक जैसे हमने बताया मैंकोजेब डाइथेनियम 45 आता है, इसके घोल में डुबा के फिर दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जिससे नर्सरी हमारी अच्छी तरह से दूसरी जगह पे जाके सर्वाइव होती है। बहुत अच्छा। तो ये 2-3 चीजों का हमें जो है नर्सरी में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आपने जो प्याज का जिक्र किया, मैं यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगा, जो प्याज की नर्सरी आपने बताया कि वो प्याज की फसल के लिए नर्सरी आवश्यक है, अब प्याज के जो घटते बढ़ते दाम है उसमें क्या इस बार और भी बीते सालों में कुछ वहाँ पे हम जोर ध्यान दें, विशेष ध्यान दें ताकि उत्पादन बेहतर हो और प्याज के दाम ना बढ़े? किसान भाइयों, प्याज के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश में प्याज लगाने का 3 समय होता है, जो कि एक पहला जैसे हमारा स्टार्ट होता है समय खरीफ सीजन। खरीफ सीजन की प्रजातियां अलग होती हैं, रबी सीजन की प्रजातियां अलग होती हैं, तो थोड़ा सा प्रजातियों के बारे में ही बता दें। खरीफ सीजन की प्रजाति जो है एग्रीफाउंड डार्क रेड प्रजाति है,
ये राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा डेवलप की गई थी। इसकी नर्सरी हमें मई जून में डालना होता है, मई जून में डाल के इसके बाद दो महीने बाद लगभग 40-45 दिन बाद इसका हम जुलाई या अगस्त में ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे आपने नर्सरी डालनी है 45 दिन बाद इसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इसमें किसान भाइयों, खरीफ वाली फसल में हमें सबसे अच्छा फायदा मिलता है, विशेषकर उत्तराखंड के किसानों के लिए या उन किसानों के लिए जहाँ पे बरसात में पानी नहीं जमा होता। तो अगर इस फसल की हम टाइम से बुआई करें तो ये फसल की जो हमें उत्पाद मिलता है वो अक्टूबर नवंबर में मिलता है। और किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर में हमारा जो है सबसे ज्यादा मूल्य रहता है प्याज का। सबसे अभी जो 100-150 रुपए तक मूल्य गया था इसी समय में था। तो ये हर साल होता है क्योंकि इस समय बहुत कम क्षेत्रों में, बहुत कम एकड़ में प्याज की फसल लगाई जाती है, इस समय उत्पादन कम आता है। अच्छा, इस समय अगर आप उसका उत्पादन करेंगे, इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। जो प्याज के मुख्य फसल का टाइम है उसकी नर्सरी अक्टूबर में पड़ती है, उसको आप 45 दिन बाद दिसंबर से जनवरी तक ट्रांसप्लांट करते हैं। उसका जो उत्पाद आता है, जो मुख्य उत्पाद आता है अपना, वो आता है अप्रैल मई में। इसीलिए किसान भाई आप लोग देखते होंगे कि प्याज का मूल्य जो है गिर जाता है। तो जो किसान भाई, अगर आपके पास खरीफ के लिए उपयुक्त प्रजाति हमने बताया ग्रीफाउन डार्केट, इसी तरह रबी फसल के लिए जो प्रजाति रिकमेंड है, एक पूसा संस्थान से निकाली गई प्रजाति है, पूसा रिद्धि करके, गहरे कलर की होती है, इसका आपको बाजार मूल भी बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी प्रजाति जो बहुत ही किसानों के बीच लोकप्रिय है, एग्रीफाउंड लाइट रेड, जो हल्का सा भूरी कलर की होती है, इसकी उत्पादन भी 300 से 450 क्विंटल तक होता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं ज्यादा समय तक, क्योंकि किसान भाई प्याज में पैसा वही लोग कमाते हैं, चाहे ट्रेडर हो चाहे किसान भाई हो, जिन्होंने अपने स्टोरेज की व्यवस्था कर ली है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हमें स्टोर करना है, 4-5 महीने में स्टोर करना है, क्योंकि बढ़िया मूल्य हमें अक्टूबर में मिलता है। तो अगर आपकी फसल अप्रैल में खुदाई उसकी कर रहे हैं मुख्य फसल की, तो हम किसानों से गुजारिश करेंगे कि उसको आप किसी तरह से अपना वेंटिलेटेड गोडाउन बना के उसको 2-3 महीने स्टोर कर लीजिए, उसके बाद उसके आप मार्केट उसको ले जाइए, तो आपको बढ़िया से बढ़िया मूल्य मिल जाएगा। और जो हमारे ये भी समस्या रहती है कि शॉर्टेज हो जाती है प्याज की, तो उस शॉर्टेज से भी जो है हमें निदान मिल जाएगा। जो दूसरा, किसान भाइयों से हम ये भी आग्रह करेंगे, खरीफ वाली प्रजाति जो एग्रीफाउंड डार्क रेड है, या एक प्रजाति जो भीवा सुपर करके है, भारतीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान जो हमारा पुणे राजगुरु नगर में है, वहां से निकली हुई है भीवा सुपर प्रजाति, इसकी आप लोग बुआई करें, और जिससे कि हमें देश में जो प्याज की बार बार में रेट घटना बढ़ना या शॉर्टेज आती है, इससे भी निदान मिलेगा और किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मूल्य भी मिलेगा। जी, और सब्जी बीज फसलों के साथ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खोसला से, जो ठंडे प्रदेशों के बागान हैं, बगीचे हैं, उसकी देखभाल के बारे में। तो डॉक्टर खोसला, ठंडे प्रदेशों में आजकल के मौसम में जो रोग लगते हैं, उसकी रोकथाम के लिए कौन से महत्वपूर्ण प्रयास कदम उठाने चाहिए? मौसम से आजकल तो बताया जो कैंकर रोग कैंकर रोग जो बगीचों में बहुत ज्यादा बेहतर गया है, लगभग हर एक सेब उत्पादित क्षेत्र में कैंकर रोग का प्रकोप है बगीचे में, और इसको पूरी तरह से 100% इसको बाहर निकालना तो संभव नहीं है। लेकिन हम अच्छी खेतियात बच के और दवा का प्रयोग करके हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसके लिए भी आज जैसे मैंने कहा कि बोर्डर मिशन को लेकर आप स्प्रे करिए, और किताबों में आप टोमाटो पेंट और बोर्ड पेंट का इस्तेमाल करिए, और साथ ही साथ आप पेनों में भी आप चूना लगाए, सफेद जो हम व्हाइट वाश जिसको आमतौर पर बोलते हैं पेनों पर हम चूना लगाते हैं, उसके वजह से साल में दो समय होते हैं उसका, नवम्बर में और अप्रैल में। अगर नवंबर में बागवानों ने नहीं लगाया है तो वो आजकल भी लगा सकते हैं इसको, इससे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में कैंकर को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है, क्योंकि आजकल पत्तियाँ नहीं होती, पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे पेड़ों पर पड़ती हैं, तो इससे जो सूर्य बढ़ा हो जाता है हमारी जो चमड़ी है, पौधों की जो चमड़ी है वो
इसके अलावा भी आप कुछ बताना चाहेंगे ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि कीड़ों की रोकथाम अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे फलों में, हमारे बागानों में। तो कोई समेकित कीट प्रबंधन, जो एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है, तो उसमें अभी आपने जो जिन दो रोगों का, कीटों का जिक्र किया, उसके अलावा भी आप अगर कुछ बताना चाहें कि एक ऐसा पेस्ट मैनेजमेंट की कोई संभावना है जो किसान भाई करें ताकि कीटों से रोकथाम की जा सके। जी, जो सब और भी महत्वपूर्ण जो कीट हमारे हैं, खासकर सेब में और भी फलों में, खासकर सेब की अगर बात हम करें तो एक सर जो स्केल आता है कीट जो हमारे फलों के ऊपर भी गुलाबी से रंग डालता है और पेड़ों के ऊपर भी काफी ज्यादा अपनी बना देता है, और ये फलों का और पौधों से रस चूसता है, धीरे धीरे बीजों के ऊपर भी इसका प्रकोप हो जाता है और बीजों से भी रस चूसता है, तो हमारे बीजों में कमजोर हो जाते हैं और जो फल जो है हमारे बीजों के ऊपर लगते हैं, तो ऐसे कंपेटिव बीजों पर अगले साल जो हमारा फल नहीं रहता है। तो इसकी रोकथाम के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इन्वायरमेंट ऑल होता है, तेल का हम छिड़काव करते हैं, खासकर उसको थोड़ा सा लेट आप सीजन के लेट में आप मार्च के महीने में आप उसको स्प्रे करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा, उससे जो है हमारे लिए इन कीड़ों की रोकथाम होगी। साथ ही साथ ये रोकथाम करता है हमारा जो भी आते हैं फूलों को, जब हमारे फूल बन जाते हैं तो उस टाइम एक छोटा सा कीट होता है, वो फूलों की खुजता है और वो उसकी वहाँ से परागण हमारा नहीं बन पाता, तो उसकी रोकथाम के लिए भी ये हमारा स्प्रे करना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन बागवान ये ध्यान जरूर रखें, किसी भी कीट का से जो स्प्रे है, जब हमारे फूल लग जाते हैं पेड़ों के जो फूल लगते हैं, उसके बाद हमें किसी भी कीटनाशक का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नई जून का महीना होता है उसमें कुदरत ने हमें ये भी दिया है कि जो हमारे शत्रु कीट है उनको मारने के लिए भी कुदरत ने हमारे को एक मित्र कीट भी दे रखे हैं, उनकी उत्पादकता जो है वो नेचुरल प्रकृति तौर पर उनकी जो मात्रा है उस टाइम मई जून के महीने में काफी बढ़ती है, जो जो हमारे शत्रु कीट है उनको वो खाते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी कीटनाशक का आप इस टाइम सुबह स्प्रे करते हैं अपने बाड़ियों में, तो जो हमारे मित्र कीट है उनका सारा नाश हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। तो हमारे और भी कई कई तरह के कीट हैं, जैसे हमारा स्किन है, माइट है, माइट कीड़ा होता है, जो अगर आप स्प्रे करते हैं कीटनाशक का, तो माइट का उनको आता है बगीचे में और भी बहुत ज्यादा गंभीर समस्या होती है, जिससे जो प्रोटीन का रंग जो है बुरा होता है, सारा फल खत्म हो जाता है और फ्रूट का साइज भी छोटा रहता है, हमारा जो फल है वो अच्छी तरह से आकार नहीं लेता है, उसकी क्वालिटी में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इनकी रोकथाम के लिए भी हमें इस तरह से करना चाहिए।
बहुत उपयोगी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी कि ठंडे प्रदेशों में मई जून में कीटनाशकों का स्प्रे न करें या संभल कर करें, क्योंकि इससे जो हमारे मित्र कीट हैं जो फलों के लिए बेहतर साबित होते हैं वो भी उनके भी नष्ट होने की संभावना रहती है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, हेलो किसान में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी किसान। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहीं से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो सट गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको आज हम मिट्टी की जांच कर रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सवाल हल कर पाए। इसलिए किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका स्वागत है और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हमारे किसान भाई जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, हमारे साथ कमल जी जुड़े हुए हैं। कमल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, रमेश जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी रमेश जी, सवाल पूछिए। सर मुझे सेब के पौधे लगाने थे, मैं कौन सी क्वालिटी लगाऊंगा आप हमें बताओ, और कहाँ से हमें मिल सकते हैं? जी सर, आपको अपना इलाके का नाम बताइए, आप किस इलाके में आप लगाना चाहते हैं? शिमला, शिमला जिला से हैं आप, किस इलाके में, कितनी हाइट है आपके इलाके की?
शिमला शिमला से इधर है जी मैम नौरा धार साइड राजगढ़ नौरा धार जी 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 तो आप जो नई किस्में आई है जैसे रेड विलो जेनोमाइन है इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं और जहाँ तक प्रश्न है कि इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रोग्राम में जो किस्में हैं हमारे बगीचे में ये बहुत कम है हमारे बागवान बहुत कम कम लगती है तो जो किस्में हैं हमारी उनको भी आप साथ में जरूर अपने बगीचों में लगाएं जैसे सिफारिश की जाती है कि कम से कम आपके 33% जो है हमारे बगीचों में प्रकरणकर्ता किस्में भी जरूर होनी चाहिए पैदल के हमारी उत्पादकता में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है पॉलिनेशन पूरी नहीं होती और अच्छी क्वालिटी का हमारा फ्रूट नहीं बनता तो जब आप मेन वराइटी की आप बात करें कैसे लाने की बात करें तो साथ में आप प्रकरणकर्ता किस्में भी आप जरूर लाएँ ताकि अगर आपने 100 पौधे आपने बगीचे में लगाए हैं तो उसमें कम से कम 30 पौधे जो है प्रमाणकर्ता किस्मों का होना चाहिए और साथ में ये ध्यान जरूर रखें आप कि जो प्रमाणकर्ता किस्म है वो एक ही तरह की एक ही किस्म ना हो उसमें भी दो तीन तरह की प्रमाणकर्ता किस्में हो ताकि आपको पता है कि जैसे बदलते मौसम में आजकल जो है थोड़ा सा पौधों का भी जो व्यवसाय है प्राकृतिक तौर पर थोड़ा सा बदल गया है कई बार जो हमारे जो पॉलिनाइजर है उनकी जो फूल खिलने की जो अवस्था है और जो हमारी जो मेन वैरायटी है जिसके ऊपर पॉलिनेशन होनी है उसके फूल खिलने की अवस्था थोड़ा सा आगे पीछे आती है तो जिसको हम अंग्रेजी में सिंक्रोनाइजेशन करते हैं वो नहीं हो पाती तो इससे जो हमारा फ्रूट सेट जो है पूरी तरह से नहीं होता इसलिए हम कहते हैं कि दो तीन तरह की अगर प्रॉब्लम किस्में होगी हमारे पास तो अगर एक वैरायटी आगे पीछे फूलती है तो दूसरी वैरायटी काम करेगी या तीसरी वैरायटी पॉलिनेशन का काम करेगी तो उससे जो हमारे उत्पादकता में इजाफा होगा और अच्छी क्वालिटी का हमारा फ्रूट जी बहुत विस्तार से डॉक्टर ने समझाया रमेश जी जो उनके सवाल का जवाब दिया विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं जो हमारे सब्जी के जो बीज की फसल का प्रबंधन है उसकी हम बात कर रहे हैं और मैं डॉक्टर विजय से जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं पूरे देश में क्या राष्ट्रीय बागवानी मिशन में भी जो सब्जी और फलों के बीज हैं उसके लिए कुछ प्राथमिकता दी जा रही है किसान भाइयों राष्ट्रीय बागवानी मिशन में किसान भाइयों को सब्जी बीज उत्पादन करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा भी सहायता दी जाती है इसके अलावा किसान भाई अपने प्रदेश सरकार से भी पौधे लगाने के लिए या पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए उसमें अलग अलग तरह की सहायता दी जाती है जैसे हम सब्जियों की बात करें तो एक हेक्टेयर के ऊपर लगभग 35,000 रुपए का किसान भाइयों को अनुदान दिया जाता है अनुदान के साथ साथ बीच बीच में उनको हम ट्रेनिंग भी कराते रहते हैं और जो सब्जी बीज उत्पादन की जो तकनीक है उसके बारे में किसानों को बताते हैं उनको अच्छी प्रजाति का जिस सब्जी का बीज उत्पादन करना चाहते हैं उसमें जो नई विकसित प्रजातियां हैं उनको उन बीजों को हम किसानों तक पहुंचाते हैं और किसानों को ये सलाह देते हैं कि आप नई से नई प्रजातियां जो है उनका बीज उत्पादन करें जिससे कि आपको बाद में बाजार भी अच्छी तरह से मिल सके जी डॉक्टर विजय सर आप मैनेजर हैं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड पूसा में और आपने बताया कि आप किसानों के लिए प्रशिक्षण भी कराते हैं ताकि किसानों को बेहतर बीज उत्पादन की जानकारियां मिल सकें तो अगर हमारे किसान भाई जो इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं अगर आपके किसी प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा क्या अपने जिले के राष्ट्रीय जो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना होगा या डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर संपर्क करना होगा वो कैसे आपके प्रशिक्षण से जुड़ सकते हैं किसान भाई अगर सब्जी बीज उत्पादन के बारे में किसी तरह के प्रशिक्षण के इच्छुक हैं तो अगर उनके नजदीकी क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है तो सबसे पहले अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य यही है कि वो किसानों को जो है बीज उत्पादन की और सब्जी उत्पादन के साथ साथ कृषि की नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं अगर आसपास आपके प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय है तो आप कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से संपर्क करिए इसके अतिरिक्त अगर आप राष्ट्रीय लेवल पे या किसी भी प्रदेश में आप किसी भी सब्जी का बीज उत्पादन करना चाहते हैं या बीज उत्पादन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय बीज निगम की वेबसाइट जो है www.indiaseeds.com पे जाइए वहाँ पे हमारे सभी प्रदेशों के जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं
या प्रक्षेत्र कार्यालय है उसके अंतर्गत जो है उनके नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क करिए तो उनके माध्यम से हम आपको सब्जी का आपके यहाँ बीज उत्पादन भी कराएंगे। उसके साथ साथ अगर आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग है तो हम अपने यहाँ पूसा में लाके उनको जो है उस फसल के बारे में स्पेसिफिक जानकारी और ट्रेनिंग भी कराते हैं। बड़ा सा पूसा दिल्ली में एक बड़ा विशाल कृषि मेले का आयोजन करता है, वो मेला लगभग 25 माह में होता है और अखिल भारतीय स्तर पे उसका आयोजन होता है। मैंने कई बार उसमें मैं शामिल हुआ हूँ, देश के कोने कोने से किसान उसमें आते हैं, पूसा के वैज्ञानिक और तमाम हमारे कृषि वैज्ञानिक पूरे देश से उसमें शामिल होते हैं, एक बहुत बड़ा मंच होता है। तो आप कैसे आमंत्रित करेंगे हमारे किसान भाइयों को और क्या उसमें भी कुछ संभावनाएं रहती हैं हमारे जो सब्जी बीज के बारे में जानकारियां मिल सके, सब्जी के बीज उनको मिल सके उस कृषि मेले में? किसान भाई हम आपको बताना चाहेंगे कि पूसा में जो मेला होता है पूरे भारत का एक तरह से राष्ट्रीय किसान मेला होता है और उसमें देश के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रदेशों से हमारे किसान भाइयों के साथ साथ विभिन्न तरह के तकनीकी अधिकारी भी उपलब्ध होते हैं और लगभग सभी कंपनियों का उसमें स्टॉल लगता है। अभी जो पूसा में किसान मेला होने वाला है अभी मार्च में प्रस्तावित डेट 3-8 के बीच में है, आप किसान भाई बीच में जो है पूसा से आप संपर्क कर सकते हैं और इसमें जो है सभी किसान भाइयों को जो चूंकि ये अपना जो खरीफ सीजन होता है उससे पहले लगता है, समर का सीजन चलता रहता है तो इसमें जो लगने वाली प्रजातियां हैं उनके किसान भाइयों को बीज उपलब्ध कराया जाता है, इसके अलावा जरूरी जानकारी भी दी जाती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे एक किसान भाई महेंद्र जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो किसान भाई, महेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हेलो महेंद्र जी, आपको हमारी आवाज में लेंगे, सवाल पूछिए। हेलो महेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शायद फोन लाइन में संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल जो हमको प्राप्त हो चुका है, इनका सवाल ये था कि महेंद्र जी हिमाचल प्रदेश से बोल रहे हैं, अभी तक हम संपर्क में थे, इनका सवाल था कि इनके सेब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो पा रही, वो बड़े नहीं हो पा रहे, तो सेब के पौधे आकार में बने उसके लिए सब क्या करना होगा? सबसे महत्वपूर्ण तो है तो उचित मात्रा में खाद का प्रबंधन, जितनी भी मात्रा में सिफारिश की जाती है उसी हिसाब से आप खाद अत्यंत देनी चाहिए। दूसरा खाद छाट का बहुत बड़ा है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी किस्म लगाई है, अगर स्टैंडर्ड किस्म लगाई है तो उसमें खाद छाट किसी और तरह से होगी और अगर स्पर किस्म लगाई है तो उसमें खाद छाट किसी और खा सकती है। जो स्टैंडर्ड किस्म जिनको हम बोलते हैं आमतौर पर जैसे आपका स्टार्टिंग सवाल है या फिर किससे, उनमें जो है आमतौर पर जो हम जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय शंकर पांडे जी और डॉक्टर किशोर खोसला, आपका तमाम जानकारियां आपने हमको दी सब्जी के बीज उत्पादन के बारे में और ठंडे प्रदेशों के बगीचों की बागानों की देखभाल के बारे में और तमाम सवालों के जवाब हमारे किसान भाइयों को मिले, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हमारा अगला विषय जो हेलो किसान में रहेगा वो जैविक खेती और जैविक इनपुट उत्पादन प्रबंधन।
इन विषयों पर आप अपने जिज्ञासाएं अपने प्रश्न जरूर हम तक पहुंचाएं और इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है hellokisan2015@gmail.com। आप इस पर सवाल अपने भेज सकते हैं और हमें खुशी होगी आपके सुझावों और सवालों के जवाब हम आपको देंगे। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हेलो किसान आप टाइप करेंगे और फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो टोल फ्री नंबर है जो 1800-113-0060 जो डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर है जो सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, इस पर आप अपने सवाल कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, किन विषयों पर आपको चर्चा सुननी है, सवाल पूछने हैं हेलो किसान में, उन विषयों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल सुविधा लेने का समय हो चुका है, हेलो किसान हम यही समाप्त करेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। दाता की